स्टार प्लस के सीरियल बन्नी चाओ होम डिलीवरी में आज बन्नी इमोशनल भी हो रही है और साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा है। असल में बन्नी के मामूसा जुए के खेल में बहुत सारे पैसे हार गए हैं। ऐसे में राजा भाई ने बन्नी और उसके मामूसा को धमकी दी है कि अगर उसके पैसे नहीं लौटाए गए तो वो उसे उठाकर ले जाएगा। मैं सो गई ना मामूसा, तो आपका कर्जा ना चुकेगा और वो पोपड़े बैंगड़ सी सकल वाला राजा भाई उठा के लेके जाएगा मुझे। क्या कह रही है बन्नी? सरेआम धमकी दी है उसने। हाथ तो लगाए, वो बदमाश का हाथ काट के रख दूंगा। ऐसे में बन्नी को अपने मामूसा पर गुस्सा आ रहा है और वो गुस्से का घूंट पीकर अपने कामकाज में मन लगा रही है, क्योंकि उसने उधार चुकाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से ऑर्डर लिए हैं और उन ऑर्डर्स को वो जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। इसीलिए वो अपनी मामी से काम में हाथ बटाने की बात कहती है। हालांकि उसकी कामचोर मामी सर दर्द का बहाना कर देती है। क्या है ना बन्नी, आज हमारे माथे में ना घड़ों दर्द है, तो दबा दे थोड़ा। मामी साहब, आज तक आपने बन्नी को अपने कस्टमर से ये कहते हुए सुना है कि हमारे सिर में पीड़ा है या हमारे पेट में कीड़ा है? अरे बीमार तो मैं भी पड़ती हूँ, पर कभी गोली खाकर या कोरा पानी पीकर किसी तरह से खड़ी हो जाती हूँ और अपने काम पर लग जाती हूँ। अब देखना होगा कि बन्नी कैसे अपने काम को समय पर पूरा कर पाएगी। तो आज बन्नी अपने घर पे है, जोधपुर के अपने बस्ती वाले घर पे, उसी एक ही घर है उसका, तो अपने घर पे है। और अपने, क्योंकि वो हमेशा मेहनत करती रहती है, भागती फिरती रहती है, काम करके आ रही है, युवान के घर पे उसकी अंगूठी वापस करके आई है। तो भाई पूछता है कि बहन क्या हो गया, तो इतने टेंशन में क्यों है? बहुत स्ट्रेस में, क्योंकि मामोसा ने किसी जुए के खेल में राजा भाई को पैसे हार कर आए थे और उस चक्कर में सारा लोड बन्नी पर आ गया है। बन्नी को चुकाना पड़ेगा वरना राजा भाई ने धमकी दे दी कि उसे उठा ले जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन है बन्नी की ज़िंदगी में। अब चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग हो, पर जब आपके कंडीशंस अच्छे नहीं होते हैं तो ऐसे जो भेड़िए नहीं होते, राजा भाई जैसे लोग गुंडे वुंडे उसे सताते रहते हैं, तो उसकी ज़िंदगी में युवान को संभालना, युवान को उनके भेड़ियों से बचाना, अपने ज़िंदगी के भेड़ियों से बचना और अपना बन्नी चाओ होम डिलीवरी बिजनेस संभालना, बहुत सारे घने घने प्रॉब्लम्स हैं। वो तो बन्नी को भी नहीं पता। बन्नी कोशिश करिए कि जितने सारे कस्टमर्स मिल जाए जहाँ तहाँ से, तो वो कर लेगी। अब उसको कह रहे हैं उधार ले ले बेटा, और बन्नी का मानना है कि उधार शब्द में ही एक धार छुपी होती है जो आपकी इज्जत कभी भी चीर सकती है। तो बन्नी ना कभी उधार लेती है ना उधार देती है, तो बन्नी अपना रास्ता निकाल लेगी, कुछ बड़ा सा डील प्रोजेक्ट शायद, देखते हैं। मैं भी आशा करती हूँ कि उसे मिल जाए।